Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine and आप लोगों ने टाइटल से पढ़ चुका है कि आज का वीडियो क्या होने वाला है सो एज यू नो कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाती हूँ फॉर लाइक स्किन केयर आकने प्रन स्किन के लिए एंड मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मैंने पेरोक्लिन जेल की बात करी थी कि कैसे वो आपके एक्टिव आंकने के डिफरेंट फॉर्म्स को टैकल करता है एंड आई गॉट अ लॉर ऑफ कॉमेंस आ स्किन ये एक्ने स्कार्स पर काम करेगा कि नहीं एक्निस्कार्स कैसे फेड लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग आई सारे नार्मेसी का आंसर है एंड ये अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम है एंड इफ आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज टेक अ मोमेंट एंड हिट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट so that every time i upload a new video you get notified now without any further blabbering let's just dive right into the video तो मेरे तो बहुत ज्यादा एक्ने हुआ था एक टाइम पे आप सब लोगों को पता है एंड i know कि एक्ने से डील करने के बाद एक और प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा रह जाती है दैट इज एक्ने स्कार्स एंड उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा यू you नो know, आपका स्किन कम्पलेक्शन डल हो जाता है बिकॉज़ यू नो बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं ऑल ओवर द फेस एंड एनी वेज हमारी इंडियन स्किन इज़ प्रोन टू हाइपर पिगमेंटेशन तो जैसे हमारे फोर एड का कलर यूजअली डिफरेंट होता है यहाँ माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन होता है तो यू नो दैट इज़ ऑल्सो नदर प्रॉब्लम एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग आप में से हो गए जो मेरे बार बार बोलने के बाद भी सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो उसकी वजह से सन डैमेज भी हो जाता है तो ये जो प्रोडक्ट मैं आज शेयर करने वाली हूँ ये आपके सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है नाउ ऑल्दो आप लोग इन सब प्रॉब्लम्स के लिए टारगेटेड सीरम्स यूज कर सकते हो मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे सजेस्ट किए हैं लाइक गो फॉर यू नो सीरम्स जिसमें इंग्रेडिएंट्स जैसे नाइसिनमाइड कोजिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड एक्सेट्रा ये सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्प करते हैं टू यू नो शेड द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन एंड यू नो ये हाइपर पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट ये सब रिमूव कर देते हैं बट सीरम्स ओवर टाइम काम करते हैं आपको रेगुलर यूज करना पड़ता है एंड सीरम्स पेरेटिवली थोड़ा स्लो रिजल्ट दिखाते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा यू नो कीन हो गई थी टू गेट रिड ऑफ माई एक्सकारज़ पॉसिबल तो मैंने अपने ड को कंसल्ट करा था ये यूज़ करने से पहले एंड आई गॉट दिस क्रीम दिस इज़ द कोजी ग्लो गोल्ड क्रीम एंड मैं नीचे लिंक ज़रूर कर दूँगी दिस इज इट इज स्किन लाइटनिंग क्रीम एंड इट इज़ स्टेरॉयड फ्री पैराबिन फ्री एंड यस yes, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं मेरे सारे नोट्स रेडी हैं ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर दूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका प्राइस बता देती हूँ दिस रिटेल्स फॉर फ़ाइव फोर्टी रुपीज़ फॉर टूवेंटी ग्राम प्रोडक्ट नवाइ नो के थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो इंडियन फार्मेसी के ऐसे क्रीम्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम आपको चलते हैं बिकॉज बहुत थोड़ा थोड़ा सा आपको यूज़ करना होता है एंड प्लस ये कंपेयर टू द अदर यू नो सीरम्स वगैरह उनके कंपेरिजन में ज़्यादा जल्दी रिजल्ट दिखाते हैं तो दैट वीज़ इफ़ आई थिंक तो ये सही रहता है ख़रीदने को बिकॉज़ एक ट्यूब ख़त्म होने से मेरी एक ट्यूब ख़त्म नहीं हुई थी एंड लाइक आई गॉट रिड ऑफ ऑल माई एक्

डाइपलमाइटेट इफ आई एम नॉट प्रनाउंसिंग इट रॉन्ग और मैं सारे नाम पीचेस देख के बोल रहा हूँ ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूँ इट ऑल्सो हैज ग्लिसरीन इथाइल कॉर्बिक एसिड एलेंटॉइन एंड श्योर बटर एज एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स एंड ये सारे ही इन्ग्रीडियंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन के यू नो कॉम्प्लेक्शन को ईवन आउट करने में हेल्प करते हैं तो जो कोजिक डायपुल माइटेट है वो आपकी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है एंड ऑल्सो इट हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज तो अगर यू नो बैक्टीरिया के वजह से आपके फेस पर थोड़े बहुत एक्ने हो

कर लेते हैं कि ये क्रीम क्या क्या प्रॉब्लम टारगेट करती है तो ये आपकी स्किन को ब्राइटन करने में एंड हाइड्रेट करने में हेल्प करती है जिससे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेडियंट एंड ग्लोइंग लगने लग जाती है है देन प्रोटेक्ट करती आपकी स्किन को फ्रॉम हार्मफुल सन रेज एंड जो पिछला सन डैमेज आपकी स्किन पे हो रखा है यह उसको भी ठीक करने में मदद करेगी इट ऑल्सो सैगिंग एंड यू नो एजिंग ऑफ स्किन उसको थोड़ा रिड्यूस करती है ऑल एंड ऑन जितने भी आपके पिगमेंटेशन रिलेट

टाइम सही हो गए थे तो फोर टू सिक्स वीक का टाइम लगता है इसको काम दिखाने में बट फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज में आपको नोटिसबल रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा एंड अभी हम बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप यूजुअली कोई भी एक जेंटल क्लेंज़र यूज़ करके आप अपना स्किन वॉश कर लो देन आप इसका पी साइज़ अमाउंट लेके ये ऐसा दिखती है एंड इसको आप अपने स्किन पे एक मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ करोगे एंड लुक एट द टेक्सचर ये अच्छे से आप थोड़ी देर मसाज करो तो ये स्किन में अच्छे से हो जाती है, इसको आप सिर्फ टारगेटेड है like एंड तो आप लगा सकते हो बट अगर आप स्कार्स के लिए इसको यूज कर रहे हो तो वहीं पर लगाना जहाँ पे एक्ने स्कार्स हैं एंड इट इज वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग प्रॉपर एक थिक क्रीम की तरह है, आपको बहुत अच्छा एक हाइड्रेशन मिल जाता है तो आपको अलग से कोई जरूरत नहीं है यू कैन यूज़ दिस एज अ मॉइस्चराइजर एंड इसको आप दोनों टाइम यूज कर सकते हो मॉर्निंग में भी एंड ईविंग में भी फॉर बेस्ट रिजल्ट बट मेक श्योर आप इसको एवरी डे यूज़ कर रहे हो तभी आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे डो नॉट स्किप इट एंड मॉनिंग इवनिंग दोनों टाइम पर आप यूज़ कर सकते हो बट जब आप मॉर्निंग में यूज़ करोगे तो इसके बाद सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज जितने भी एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स होते हैं दे टेन टू मेक योर स्किन फोटो सेंसिटिव एंड ताकि और ज़्यादा आपको सन डैमेज ना हो तो फिर आप सनस्क्रीन लगाना एंड यूल बी गुड टू गो नाउ हाउ टू स्टोर इट इसको स्टोर करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं करना है आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे स्किन पेड्रॉर में कहीं भी रख सकते हो बेसिकली आपको ऐसी जगह पे रखना है जहां पे इस पे डायरेक्ट लाइट ना पड़ रही हो सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस क्रीम अगर आपने बहुत सारे सीरम सब कुछ ट्राई कर लिया है एंड आपके एक्नेस कार्ड हाइपर पिगमेंटेशन पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली चेक दिस क्रीम आउट एंड अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है इस क्रीम से रिगार्डिंग तो नीचे मुझे कॉमेंट्स में बता देना आई विल Love to answer all of them, and uh, yes, agar you video pasand I hope to like, comment, share, and subscribe to my channel, and also press the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now I will see you super super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.